सो ही गाइस, दिस अनुज ऑफ प्योर गाइस। आज के इस वाले वीडियो में हम देखने वाले दो सोलो कॉन्करर रैंक क्वेश्चन गेम प्ले। और पहले वाले गेम प्ले में गाइस एक हैकर मिलेगा जो अपना अच्छा खासा जाने वाला गेम भाई ख़राब कर देता है, वो कैसे मारता है जरूर देखना। और दूसरे वाले गेम प्ले में गाइस काफ़ी सारे हम किल्स निकालेंगे एंड सर्कल में, सो दोनों गेम प्लेस पूरे जरूर देखना। बाकी गाइस आज मेरे को 200 पॉइंट्स प्लस करने हैं, मतलब अभी मैं लगभग डायमंड 2 के आसपास हूँ और 200 पॉइंट्स और प्लस करूँगा आराम से भाई क्राउन हो जाएगा। देखते गाइस कहाँ तक हो पाता है, आज करना है मतलब करना है। बाकी अभी ये वाला गेम प्ले देखना। तो ये वाले बंदे का भाई अच्छा खासा हमने माइनस लगा दिया और तभी गाइस मेरे को एक और बंदे के फुटस्टेप आया। अभी मेरे को यहाँ पे लगा कि बॉट हो सकता है, और देखना वो बंदा एकदम बॉट की तरह मूवमेंट भी करता है, बट वो बॉट नहीं भाई बंदा था। तो इस वाले बंदे को भी आराम से फिनिश कर दिया, ये बंदे का भी अच्छा खासा माइनस हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे कोई बंदा था नहीं, सो आराम से मैंने लूट वगैरह कंप्लीट कर ली और इसी बीच एक बॉट किल भी मिल जाता है। उसके बाद जो फर्स्ट ड्रॉप था वो आसपास ही गिर रहा था, सो मैंने सोचा भाई चलो जाके ड्रॉप लूट लेते हैं यसना के आसपास है, मतलब कि यहाँ पे कोई बंदा आएगा नहीं ऐसा मेरे को लग रहा था, बट यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे आएंगे देखना। तो गाइज यहाँ पे भाई लकीली मैं बच जाता हूँ, पता नहीं कैसे बचा। और जब बंदा उतरा मैंने गोली चलाई, उसको कुछ नहीं हो रहा, उसने गोली चलाई भाई अपनी हेल्थ डायरेक्टली 10 HP। भाई हर बार ऐसे होता है गाइज, इसलिए मैं क्लोज कॉम्बैट KR वर्जन में कम्प्लीटली अवॉइड कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी से मार रहा हूँ या फिर पोजिशन होल्ड करके मार रहा हूँ। ऐसे तो क्लोज फाइट में जीत नहीं पा रहा, मतलब जीतने के चांसेस 0% है गाइज क्लोज रेंज में, क्योंकि आगे वाला ऐसे ही मेरी हेल्थ कम कर रहा है, इसलिए मैं क्लोज कॉम्बैट अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी अभी के लिए यहाँ पर मैं लूट कम्प्लीट कर लेता हूँ। तो गाइज वहाँ पे स्मोक किया था इसलिए मैं बच गया, क्योंकि मेरे ऊपर दो बंदों का फायर आया था, एक आगे से आया था और पीछे की साइड से भी एक बंदे ने फायर लिया था। और अभी के लिए मैं बच गया, तो मैं सोचा यहाँ से मैं एंगल निकालूंगा AW में, अपने पास ATX भी है। और यहाँ पे देखना एक कार आएगी और ये बंदा भाई आगे जाके आगे वाले कंपाउंड पे रुक जाता है। अभी देखना गाइज कि इसको कैसे पता कि मैं किस विंडो से पिक करूँगा, देखना। तो भाई बंदा डायरेक्टली विंडो पे एम करता है और भाई अपना गेम हो जाता है फिनिश। इसको पता था कि मैं उसी विंडो से पिक करने वाला हूँ, क्योंकि इसके पास ESP है, वॉल के थ्रू ये देख सकता है। और अभी देखना यहाँ पे भी अभी स्कोप खुलेगा एक जगह पे, देखना। तो यह जहाँ पे स्कोप खोल रहा है वहाँ पे भाई ड्रॉप गिरा हुआ है और वहीं पे बंदे भी है, तो यहाँ पे मैं कन्फर्म हो गया भाई बंदा हैकर है, रिपोर्ट किया इसको। और उसके बाद अपन बढ़ते गए अभी नेक्स्ट गेम प्ले की ओर। यहाँ पे गए मैं उतरा था रोजोक पे, तो यहाँ पे कोई बंदा आया नहीं, सो मेरे को कोई टेंशन नहीं था, आराम से मैंने यहाँ पे लूट वगैरह कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद एक बॉट मिल जाता है, गाइस अभी हम बढ़ते हैं सीधा एंड सर्कल में। यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ किल्स के लिए रिस्क नहीं लेता, मैं बस सर्वाइव करता हूँ, सेफ खेलता हूँ। और उसके बाद अभी यहाँ पे ये वाली पोजिशन में काफ़ी देर तक होल्ड किया, उसके बाद जोन बन चुका था और मेरे को सर्कल में जाके एक अच्छी पोजिशन पकड़नी थी। सो यहाँ से आगे का रोटेशन देख लेना। तो घूमते घूमते गाइस मैं आ जाता हूँ इस वाली पोजीशन पे, और यहाँ पे मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ नीचे की साइड, सो मैं देख रहा था और वो बंदा क्लोज इन कर लेता है यहाँ पे, और देखना इसके साथ हमारी फाइट कैसी होगी।
तो यहाँ पे भाई बंदा आराम से फिनिश हो जाता है। और मेरे पास भाई लूट बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे, देख सकते हो कि M4 का पूरा एमओ मेरा ख़त्म हो चुका था। बंदे से अच्छी खासी मेरे को लूट मिल जाती है और ये लूट कंप्लीट करके मैं यहीं पे होल्ड कर लेता जोन, अभी के लिए यहीं पे था बट बाद में मेरे को निकलना था जोन के अंदर। और इसी बीच मैं बस देख ही रहा था कि तभी मेरे को स्मोक दिखाई देता है और बंदा भी स्पॉट होगा, स्मोक के बाहर आएगा देखना। तो अभी के लिए भाई बंदा कवर के अंदर पहुंच चुका था बट अभी भी वो जोन के अंदर था ना, इसलिए उसको आना था बाहर। तो यहाँ पे भाई बंदे को काफी लो किया था बट बंदा बच जाता है और उसके बाद जोन आ गया, इसलिए मैंने सोचा चलो भाई जोन के अंदर निकल जाते हैं। अभी वो बंदे का पता नहीं क्या हुआ, मुझे जहां तक लग रहा है वो प्ले जोन से ही मारा गया होगा। तो अभी के लिए यहाँ पे ये वाली पोजीशन मेरे को मिल जाती, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं से भी कोई एंगल नहीं मिल रहा था और मेरे पास अच्छा खासा कवर भी था। यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ बट नेक्स्ट जोन के लिए मेरे को निकलना था, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे होल्ड किया और जैसे नेक्स्ट जोन बनता है और यहाँ से रोटेशन देख लेना। तो गाइज यहाँ पे बैक टू बैक दो इजी किल्स हमको मिल जाते हैं। और जब मैं रोटेशन कर रहा था गाइज तब यहीं पे मेरे को आना था बट मेरे को लगा यहाँ पे कोई बंदा है, इसलिए मैं नहीं आ रहा था। बट बाद में मैंने चेक किया और जैसे कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ पे कोई है नहीं, तो यहाँ पे आके आराम से मैंने पोजीशन होल्ड की और भी किल्स हमको मिलेंगे गाइज देखना। तो यहाँ पे बस अभी 1v1 का सिचुएशन था, बंदा कहाँ पे मेरे को कुछ भी पता नहीं था। अभी जोन आने वाला था, मेरे को थोड़ा सा आगे निकलना था जोन के लिए, सो देखना अभी यहाँ पे क्या होने वाला है। बाकी गाइज यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो गाइज वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, उसी के साथ घंटे का बटन भी दबा देना। गाइज यहाँ पे मैं बुलेट्स मिस कर देता हूँ जिसकी वजह से उसको मौका मिल गया, उसने हेड चिपका दिया और अपना गेम हो जाता है फिनिश। बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Nothing can stop me, I'm all the way up.